दिनों में वापस जो काम कर रहा था, जो छूट गया पिछले दिनों, जो मेरी तबीयत ख़राब रही उसमें, वो अधूरा जो जिस जगह छूटा था वो, तो उसके धागे जोड़ने के लिए वो कोशिश मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि वो काफ़ी उसका फैलाव लंबा चौड़ा है। ये एक तरह से भोपाल और यहाँ पर मेरे जो ख़ानदान के जो लोग जो थे, लगभग ये समझिए आपके 200 साल की कहानी हो जाती है वो पूरी। तो उसमें वो सारी डिटेल जो है उसको रिकलेक्ट करना, रिकलेक्ट करके फिर उसको एक तरतीब देना, तो वो अच्छा खासा मुश्किल काम है। और ये बीच में जो बुरा वक्त पड़ गया, लगभग एक साल मेरा जो है बुरा गया, तो अब उसमें मैं फिर से लगा हूँ। और पुराने कागजात और जो लिखा था उसके अंदर एक तालमेल जोड़कर और कुछ कोशिश करने के उसमें हूँ। आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से लिखा गया है वो, और वो एक तरह की यात्रा है, अंतर यात्रा है कि वहाँ से क्या था जिस ज़माने में पहली खेप यहाँ पर पहुँची, और यहाँ पर आकर सिकंदर जहाँ बेगम जो थी वो, उनकी हुकूमत थी यहाँ पर, और फिर उससे पहले आए हुए 100-125 साल हो चुके थे दोस्त मोहम्मद खां को, और फिर यहाँ रहते हुए वहाँ की जिंदगी, यहाँ से एक दो लोग जो गए हैं जाकर देखा है और अपने आप को पहचान ही नहीं पाए, वो वहाँ पर जाके बिल्कुल मिसफिट हुए, और उसके बाद तो फिर किसी ने न जाने का सोचा न कहा। बहुत बुनियादी और उस तरह के बदलाव हैं जो यहाँ के लोग तो समझ भी नहीं पाए उसको कि ये बदल रहा है। यानी यहाँ के जो हालात जो थे, वो पढ़ा लिखा तबका जो है बहुत कम कम लोग थे गिनती के, उनको ना तो ये इस बात का एहसास था कि ये आज़ादी के बाद जो बदलाव मुल्क में हो रहे हैं उसके साथ चलते हुए इस शहर का राजधानी बनना जो है वो क्या मतलब रखता है, या और जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन बदलावों को हम कहाँ तक नज़र में रखकर जिंदा हैं। वो तो एक ये BHEL का बनना और इस का होना, जिसे कहते हैं अपन राजधानी बनना भोपाल का, इसने इसको खींच कर कहीं मेन स्ट्रीम में लाया। वरना यहाँ मदरसे और मस्जिदें वो थे, ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ कठमुल्लाइयत बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस तरह का सीधा टकराव भी नहीं था। यहाँ गोंड जो थे उन लोगों से जब तक रही होगी तो अच्छी रही होगी, उसके बाद जगह इतनी थी उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम, तो अपने जो भी थे मजे में थे, और उससे ज्यादा ना सोचते थे ना परेशान होते थे। तो वो किसी से बराबरी करने का या एक कंपटीशन वाली जो मेंटेलिटी है वो थी ही नहीं, जन्मी नहीं थी। गिनती के जो लोग ऐसे थे जिनके समझ में आता था, वो भी उनकी सोच जरा अलग अलग ही हटकर थी। वो मजहब के जरिए ही हर चीज जो है वो उसको संभव समझते थे, और मजहब का एक खासा
गहरा असर था डेफिनेटली। ये मैं अगर निकलता, आप ये समझिए कि 64 का बेच, तो ये 69-70 होता। तो आपने बीच में छोड़ दिया? बीच में छोड़ा बिल्कुल। और उसका कारण यही थी कि था कि ये समझ में ही नहीं आता था कि ये मैं कर रहा हूँ या नहीं हो रहा है। घर में उस तरह की बैकग्राउंड थी नहीं, बताने वाला भी नहीं था, तो बस ये था कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग दो चीज़ें उस ज़माने में ली जाती थी। तो हमसे घर में एक दो डॉक्टर लड़कों का हो गया था, लड़के लड़की, तो फादर जो थे उन्होंने कहा कि तुम इंजीनियरिंग ले लो। तो इंजीनियरिंग पढ़ने लगे, वरना मेरी मंशा जो थी वो शुरू से ही ये थी कि मैं आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेकर और उसमें कुछ करूं, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाया। और यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल था उस ज़माने में, हिंदी टीचर हमारी हुआ करती थी मिसेस मिश्रा, वो बहुत दिल बढ़ाने वाली और हौसला अफजाई करने वाली महिला थी। तो उसके बावजूद इतनी हिम्मत नहीं कर पाया मैं कि घर में इनकलाब का नारा लगा पाता। जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने सागर से फार्माकोलॉजी में एमफार्म किया था और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, जो हिंदी के बहुत बड़े बड़ा नाम, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उनके दामाद थे सत्येन। तो फिर जब ये इन्होंने जो भोपाल में मेरे पहचान के जो थे, इन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि तुम आओ वहाँ मेडिकल कॉलेज में, उनका चाय का वक्त होता था एक बार शाम के वक्त। मैं चला गया तो वहाँ सत्येन से मिलना हुआ और सत्येन से मिलकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं वो बातें कर ही नहीं पाता था किसी से जो वहाँ सत्येन से बातें हुई, क्योंकि वो सत्येन जब तक धर्मयुग और किसी एक और जगह छप चुके थे, वो लिखते थे और मेरा पढ़ना और लिखना जो था, पढ़ना तो खैर था ही, लिखना जो है वो कॉलेज का मैगज़ीन जो है वो उस तक पहुँचा। लेकिन फिर जब सत्येन से मिले तो सत्येन ने एक दो बार कहा कि तुम भी लिखो, ये कुछ इस तरह से नहीं कहा, बात नहीं करते बन रहा है इतनी बुरी मेरी वो नहीं है डिलीवरी या बोलचाल जितनी इस वक्त हो रही है। तो वो फिर एक घटना ऐसी हुई कि उसी बीच में ईद पड़ी, ईद के दिन एक हमारे परिचित थे उनका देहांत हो गया, तो मैं हम लोग कहीं मिलने गए थे, वहाँ से सत्येन को मैं बता रहा था रास्ते में कि ये व्यक्ति जो थे ये क्या थे, उनका परिवार क्या था और क्या नहीं था पूरा कहानी। तो वहाँ से वापस आए तो हमीदिया रोड पे वो पेगोडा करके रेस्तरां जो हुआ करता था, तो उसमें हम लोग बैठे। तो सत्येन ने कहा कि तुम इस पे कहानी लिखो। तो मैंने उसे टालने की कोशिश की,
सत्येन ने पूरा एक डिज़ाइन मुझे सुझाया था कि ये इस तरह से, उस डिज़ाइन पे वो कहानी उन्होंने खुद लिखी फिर बाद में, और उसमें उनको सम्मान भी मिला एक। लेकिन फिर मैंने अपने हिसाब से वो कहानी रमज़ान में मौत करके एक जो सारी काम है पहली कहानी आई थी मेरी 1977 में। तो ये रिश्ता सत्येन के साथ था जो बिल्कुल आखिर तक रहा। होता ये था कि कोई भी बात है उसको लेकर सत्येन और मैं, हम लोग आपस में पहले शानी साहब की या फिर दुष्यंत शानी जी, ये उस ज़माने का जो ग्रुप था, धनंजय वर्मा, तो लेकिन सबसे पहले शानी साहब से ही मिलना हुआ था। तो बात करते थे और बात करने के बाद फिर लिखने लिखाने का सिलसिला उस, सत्येन जो हैं वो बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी उस ज़माने की कहानियाँ पढ़ेंगे आप तो वो पूरा उस ज़माने का भोपाल और माहौल जो है वो पूरा आपको नज़र आएगा। तो फिर हुआ ये कि मुझे उपन्यास में मेरी रुचि ज़्यादा थी, तो ये रमज़ान में मौत कहानी खैर हो गई, उसके बाद दूसरी कोई लिखने के लिए मैंने कोशिश की, फिर उसके बाद एक तीसरी कहानी लिखना शुरू की, तो वो फैलता हुआ उपन्यास हो गया कुछ दिन और। और वो गर्मियों की छुट्टियां थीं, शानी साहब थे भोपाल में, सत्येन जो हैं वो छुट्टियों में पापा मम्मी जो हैं उनके पास वहाँ पर अलवर में पोस्टिंग थी, तो ये गए हुए थे। तो वो उसी बीच मेरी शादी हुई थी, तो एक दिन शानी साहब को फ़ोन करा मैंने, उसे कहा कि भाई तो मशवरा करना है आपसे। तो वो पहले तो शानी साहब जो हैं वो उनके यही समझ में नहीं आया था कि सत्येन वैसे भी जिस तरह की दुनिया ज़मीन से ऊपर चलते हुए व्यक्ति थे वो, तो एक को बड़ी हैरत हुई कि ये तो कहानी छोड़ो उपन्यास पे आ गया। तो खैर वो आधे से ज़्यादा हुआ था मेरा उपन्यास, तो मैं लेके इनका घर जो है साउथ टीटी नगर वहाँ गया, और वहाँ खैर इन्होंने सुना। फिर अगले दिन मैं दवा की दुकान पे मुझे जाना था, तो ज़रा देर हो गई क्योंकि रात में देर हो गई थी आने में। जब मैं गया तो उसने जो केयरटेकर जो था उसने बताया कि वो एक साहब चश्मा लगाते थे शानी साहब, उनका बताया, मैं समझ गया कि वो 2-3 बार स्कूटर से आ चुके हैं। फिर मैं अंदर दाखिल हुआ था तो वो फिर आए, और वो उनके अंदाज से मुझे हो गया कि ये ठीक था कहानी जो है उपन्यास जो है, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो उपन्यास फिर हुआ भी ये कि यहाँ साहित्य परिषद का कोई फंक्शन हुआ, उसमें यादव जी आए। यादव जी उस ज़माने में अक्षर प्रकाशन जो है वो प्रिंटिंग का ही काम करते थे, ये मैगजीन हंस जो है नहीं हुआ था शुरू। तो बातें होती रहीं, वो बड़े मिलकर मुझसे बड़े खुश भी हुए। फिर शानी साहब ने ये सूचना उनको दी कि लिखता है और इसने एक उपन्यास भी लिखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तो दो हमको, अगर ज़रा भी ठीक होगा तो आ ही जाएगा छपके, और नहीं भी तो गिन ले वो तो भेज दो।
तो उसको बहरहाल टाइफाइड करा के यहाँ से और उसको करके भेजा। वो ख़त बड़े मज़े के हैं, यादव जी पढ़ते हुए उन्होंने जो ख़त लिखे हैं, किताब को पढ़ते हुए दो जो जो उन पर बीती है। फिर वो पता चला एक चार चार पांच हफ्ते में किताब छप के आ गई थी वो तो। वो फिर वो उसकी रिव्यूज़ वगैरह उसमें भी, धर्मयुग में भी और दिनमान में और इसमें सारी कामें सब में काफ़ी अच्छी अच्छी तरह से उसको लिया गया। तो ये 74-75 की बात है शायद। और फिर उसके 76 की बात है, ये 76 में आया। फिर 10 साल का गैप है सूखा बरगद और ये कुछ दिन और में। तो उस बीच में बहुत सारे बदलाव जो हैं वो राजनीतिक और पर्सनल लेवल पे भी, लोगों की दोस्तियाँ दुश्मनियाँ खेमे बदल गए थे, सब कुछ हो गया था। फिर वो सूखा बरगद छपा, बस उसके बाद सूखा बरगद इट वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ग्रोथ। देर वर सो मैनी थिंग्स जो अपने तरह रखी हुई थी और तब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं लिखूँगा आगे या लिखना जो जिस तरह से चालू हो पाया ये होगा या नहीं होगा, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तो वो तो फिर इत्तेफाक़ है कि कॉलेज में भी मैं मतलब मैगज़ीन वगैरह जो है उसका एडिटर रहा और फिर उसके बाद हमारे जो एक यहाँ दोस्तों का जो सिलसिला हुआ उनमें ख़ासतौर पे सत्येन जो अब नहीं है, सत्येन कुमार, तो उनसे मिलकर बहुत ही, क्योंकि वो ख़ुद भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और उसके साथ साथ लिखते थे, तो उसने कहा कि नहीं तुम लिखो। तो वहाँ से अब फिर जब कुछ लिखना है तो इतनी इतनी ज़्यादा जो कुछ आपके आँखों के सामने है, जो गुज़रा है या जो गुज़र रहा है या ये जिसको लेकर बातें होती हैं पूरी की पूरी, उसके पीछे है क्या, वो उस तक पहुँचने की एक कोशिश। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेरी कहानियाँ या उपन्यास जो हैं वो कहीं उसी माहौल और उसी की बनत हैं जिसमें मेरी ज़िंदगी गुजरी है पूरी। अब जैसे सूखा बरगद जो है वो उस ज़माने का जो भोपाल था, जो मेरे बचपन का भी भोपाल है और आज़ादी के फौरन बाद का वक्त है सूखा बरगद में, और यहाँ भोपाल में जो दीगर घर थे वो उनकी जो सूरत शक्ल थी, जिस तरह के लोग थे, ये मोहल्ला जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ अब थोड़ी देर में मतलब अगर यहाँ पर कोई आ भी नहीं पाता, इतना ज़्यादा रश हो गया है। पहले एक ज़माने में यहाँ ये बिल्कुल वीरान और एक उस तरह की जगह थी जैसे आप शहर के बाहर कहीं रह रहे हो। तो वो वहाँ से चलकर वो चला है और अपना रास्ता तय करता हुआ वो, और उसमें बाप का चरित्र है या ये भोपाल में जिस तरह से राजनीतिक जो बदलाव जो आ रहे हैं
داستان لاپتہ جو ہے وہ تو اس کا گیون ٹائم جو ہے وہ پورا جو یہ ایودھیا والا جو 90 کا ٹائم پیریڈ یہ تھا اس کو لے کر ہے وہ, اور اس میں کس طرح سے ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹتا جا رہا ہے, لوگوں کی دوریاں جو ہیں وہ کھل کر آ رہی ہیں سامنے, اور اس میں یہ ایک ویکتی ہے جو ویسے بھی کچھ نہیں کر پایا ہے اور لیکن کرنے کے نام پہ کچھ جو شروع ہوا تھا وہ پھر ڈکی لے رہا ہے. وہ جو دکان ٹریجر ٹروف نام کی ایک دکان جو کھولتا ہے وہ کسی کے ساتھ, تو وہاں جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی پرسنل زندگیوں میں لوگ کھیل کود کر رہے ہیں. پرسنل اور ان پرسنل میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں, جو اس میں سارا کے سارا زور یہی ہے کہ ہماری پرسنل زندگی جو ہے وہ کتنی باہر نظر آتی ہے ہم کو, اور باہر کا کتنا کچھ جو ہے ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. تو وہ لاپتہ جو ہے ضمیر احمد خان اس کا نام ہے, وہ ایک اس طرح کے امتحان سے گزر رہا ہے پورا, کیونکہ دکان ٹھیک سے چل نہیں پاتی, اور اس کا کارن وہی ہے جو اس کے ویکتتو میں جس طرح کا ایک دھندے وندے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, لیکن بس اپنے کرنا ہے اس لیے بیٹھا ہے وہاں پر. اور وہ پھر جب وہ چھوٹتا ہے ہاتھ سے معاملہ, تو پھر کس طرح سے بیوی ماں اور باپ تو ختم ہو جاتے ہیں اس بیچ میں, پھر بیوی جو ہے اس سے جو سمبندھ ٹوٹتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اور پھر آخر میں وہ اس کا انت جو ہے وہ مندر کا ڈیمولیشن جو ہوا تھا اس کو لے کر وہ ایک رات ہے گھر کے اندر اپنے بڑے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ چھوٹا ہوا ہے, بچے اور بیوی جو ہے وہ بھی سسرال میں ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ جتنی اصلیت ہے اس سے زیادہ بڑی اور اپنے آیام اس کے ہو گئے ہیں پورے پورے. تو یہ اس طرح سے نہیں, لکھنے والا ریفارمر تو ہوتا نہیں ہے, اس کے من میں یہ ایک خوبی ضرور ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی اچھائی برائی دونوں کو کہیں زیادہ باریکی کے ساتھ سمجھ پاتا ہے, دیکھ پاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی خود کی اپنی زندگی بھی ہوتی ہے, اور وہ اپنی زندگی بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ ریفارم جو ہیں وہ اگر اس میں پڑ جائے گا تو کباڑا ہو جائے گا اس کا, اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کے, وہ ایک دھارمک شری جو ہے وہ جو بن جاتی ہے وہ الگ ہے, جس میں سب چیزیں جو ہیں ایک اس کے اندر جمع کر کے ان کو مذہب اور زندگی اور سب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, اور باقی سب چیزوں کا آؤٹ کر دیا جاتا ہے. ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ دنیا داری کے بھی معاملوں میں فیصلہ کرتے ہیں, اور مذہب میں تو خیر ہے ہی, یہی جو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اپن کو, کچھ لوگوں کی واہ 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 جو ہے ہر جگہ ہے, اور وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے.